तो दोस्तों थार मैं अपना बेचने के लिए कास्ट 24 में अप्लाई किया था, तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव देखने आए हैं। तो अभी इसका इंस्पेक्शन होगा, फिर उसके बाद इसका रेट बताएंगे। अगर किसी सब्सक्राइबर को ये थार परचेज करना होगा तो मेरे को बता सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये थार परचेज करना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये कास्ट 24 वाले अभी ये कैसा रेट देते हैं पता नहीं, लेकिन किसी पर्सनल को चाहिए होगा तो भी बता सकते हैं। वो देखिए वो पेंट चेक कर रहे हैं, पेंट का क्वालिटी। क्योंकि अभी इस थार से मैं नए थार में अपडेट करूँगा। पेंट ठीक है ना भैया? पेंट वो रेट वेट का कब तक बताएंगे फिर? डेढ़ दो घंटे में आ जाएगा। हाँ डेढ़ दो घंटे में। अच्छा डेढ़ दो घंटे में तो कुछ फाइनल तो नहीं रहेगा ना, मतलब हम अपनी तरफ से बता सकते हैं? नहीं। एक मिनट खोल देता हूँ वहाँ से। खोलिए। हाँ ऊपर से वो ही बीच से खोलिए खोलिए। बोल रहे हैं डेढ़ दो घंटे में रेट बता देंगे, तो देखते हैं क्या रेट बताते हैं। ये CRD इंजन है, 4x4 AC मॉडल। अगर किसी सब्सक्राइबर को या सब्सक्राइबर के फ्रेंड्स को ज़रूरत होगा इस थार का, अगर शौक है लेने का, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। ये अलॉय व्हील लगाया हूँ, अगर मेरा रेट का फाइनल होता है तो इसका स्टील रिम रखा है। अलॉय व्हील मैं अलग से भी बेच सकता हूँ। नहीं तभी गाड़ी के साथ ही देगी ना। अच्छा गाड़ी के साथ? हाँ। और स्टील रिम लगा हुआ है, मतलब है मेरे पास जो गाड़ी के इंस्पेक्शन जो कर रहा हूँ। हाँ इसके साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा और जैसे मेरे को लाइट वाइट एसेसरी निकालूंगा तो? कुछ नहीं। कुछ नहीं वो पूरा जैसे भी निकलना है। हाँ रहेगा इसी रहेगा। अच्छा तो वैसा मेरे हिसाब का रेट मिलेगा तभी तो। हाँ वो तो आप ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ क्योंकि मैं फोटो में देख रहा हूँ। हाँ मतलब इसमें फिजिकल देख रहा हूँ। हाँ आपसे अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा सामने वाला भी देख रहा है कि इसमें ताम झाम लगा हुआ। हाँ 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 तब जाकर ऐसा प्राइस जाएगा। अच्छा नहीं तो जैसे मैं रेट का जिनसे बात करूँगा उनको मैं बता दूंगा, उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा वो जो है थर्ड पार्टी आपको प्राइस को बोलूँ लिया से नो बस। अच्छा उनको आपकी गाड़ी पे क्या लगा क्या नहीं लगा। अच्छा उससे वो नहीं। अच्छा मतलब उनका प्रोक्योरमेंट फाइनेंस क्या है। अच्छा तो नहीं जैसे हो गया बात तो निकाल नहीं सकते? निकाल के मैं अपना लाइट वाइट वो कुछ नहीं, अगर निकाल दिए रहे तो गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी एक पार्ट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी तो मेरे साथ हुआ ना। उसी का पार्ट है हार्ड टॉप का। हाँ हाँ वही वही। हाँ वो सिलिकॉन पानी वानी ना आए करके नहीं, यहीं से आता था तो मैं इसी को ऐसे भर दिया कि थोड़ा सेफ्टी भी रहे यहाँ पे रगड़ा है ना। ये प्लेट को चेंज कर देना था यदि आ रहा होगा तो इस पे को चेंज करना था। हाँ
नहीं नया ही था, नया में ही लगा था। अब क्या ये सब आफ्टर मार्केट वाला लगा है ना, हार्ड टॉप अलग है, ये कपड़ा का था। हाँ हाँ वो भी कैमरा ये रनिंग रहता है। हाँ 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 चलती है, लेकिन वो मैं ऐड मत करिएगा वो कैमरा, क्योंकि निकाल लूँगा ना उसको मैं। वहाँ वो भी निकाल लूँगा ना, मैंने ही बनाया था ये सब। बेस्ट ट्यूब तो निकाल लिया हूँ इसीलिए। अच्छा वो निकाल लिया बेस्ट ट्यूब। अभी इंस्पेक्शन करते करते एक यहीं से गुजर रहे थे तो पूछे गाड़ी बेच रहे हो क्या, तो वो भी अब इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जिनको शौक है वो ले ही लेंगे। लेकिन मैंने सोचा तो वो अलॉय व्हील नहीं दूंगा, अलग से बेच दूंगा, बट ये बोल रहे हैं जो जो फ़ोटो में आएगा वो सब देना पड़ेगा। 2018 टायर का ट्रेड वो नाप रहे हैं। इंस्पेक्शन लगभग हो गया है, एक डेढ़ घंटे में वो बता देंगे रेट, फिर अगर जमेगा तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल, क्योंकि मेरे को इतना अभी जल्दी भी नहीं है कि बेच दूं। अगर अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि मैंने कम चलाया है और वेल मेंटेन्ड है। मैं उसको डाल दिया हूँ नॉर्मल, उसको रिटर्न बाय कस्टमर करके लिख देता हूँ। हाँ हाँ एलआई विल कर दूँ क्या? एलआई विल, एलआई विल भी रिटर्न बाय कस्टमर कर दीजिए, बवाल मत हो जाए। ठीक है ना, मेरे को इतना कोई वो नहीं है, जल्दी मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई वो नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छा नहीं, मतलब कि कई बार बढ़ गया हूँ। 3 साल में ही बैठ रहा हूँ। अच्छा 3 साल हो गया। उधर से आऊँ मैं? मैं जब छोटा में था। हाँ ये भी मैंने बनाया है इसको, सेंटर आर्म पे। मैं इनको बता दिया हूँ कि अंदर का एसेसरी और अलॉय व्हील ऐड मत करिएगा, मतलब बता दीजिएगा कि कस्टमर निकालेंगे तो वो बताना पड़ता है, वरना सब सबमिट कर देंगे तो मेरे को सब देना पड़ेगा, और उसका कीमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। वो भी निकाल दूँ सेंटर अमरेश, फ़ोटो ले लीजिएगा। देखिए सब निकाल के फ़ोटो लेंगे, क्योंकि जो जो फ़ोटो में आएगा वो सब देना पड़ेगा, वरना वो रिमार्क। स्क्रीन और कैमरा, स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल, रिटर्न बाय कस्टमर। हाँ ठीक है। हाँ ऑडियो सिस्टम ही लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ऑडियो सिस्टम कंप्लीट, ऑडियो सिस्टम रिटर्न बाय कस्टमर। आपके अलॉय व्हील भी डालना है? हाँ अलॉय व्हील भी डालिए। मैं रिटर्न लूँगा वो, उसको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो फ़ोटो डालेंगे वो सब मेरे को देना पड़ेगा, तो इसलिए वो रिमार्क्स में लिख रहे हैं कि क्या क्या रिटर्न करेंगे। हो गया ना? वो आरसी का फोटो और ये इंश्योरेंस। तो अब टेस्ट ड्राइव पे जाते हुए, सिस्टम ही रहेगा ना? हाँ लेकिन मत ऐड करिए ना, वो तो दिखेगा ना फोटो पीछे क्यों है। तो मैं इसको डाल दिया हूँ नॉर्मल,
उसको रिटर्न बाय कस्टमर करके लिख देता हूँ। एलआई विल कर दूँगा, एलआई विल रिटर्न बाय कस्टमर। बवाल मत हो जाएगा, ठीक है ना? मेरे को इतना कोई वो नहीं है, जल्दी मिलेगा तो ठीक, नहीं एलआई विल कैब बिल का दो स्टेडियम बिल का जो कर रहा हूँ मैं सबको ही वापस कर रहा हूँ। पार्किंग से ज़्यादा नहीं है, पहली बार नहीं, मतलब कि कई बार बढ़ जाऊँ, 3 साल में भी बैठ रहा हूँ। नेतागिरी वाला की करना, इसका भी फोटो लिए हैं क्या? अभी ले रहा हूँ सर। तो इसको निकाल दूँ? नहीं नहीं नहीं, निकल जाता है। हाँ निकल जाता है। तो कैसे निकलेगा? लेकिन अब मेहनत लगा है, आप करेगा तो या नई थार में भी मैं इसी को अपडेट कर दूंगा, उसमें नहीं आता ना सेंटर हमारे। अच्छा हाँ। और ये क्या चीज है सर? कंट्रोल, वो बेस कंट्रोलर, वो बेस बढ़ाने का।
तो खुल जाएगा। आइए सर, ड्राइवर सीट बैठिए, मैं इंजन चेक करूँगा। अच्छा है, इंजन है खुलने का ये है। हाँ हेलो, यहीं पे सेंस करिए। हाँ लगभग हो गया, अभी टेस्ट ड्राइव दिया है। अब जो जो नहीं दूंगा उसको लिखवाए हैं, बोले थे कि जो जो फोटो में आता है वो सब देना पड़ता है। हाँ तो मैं बोला है वो सब लिख दो कि मैं जो नहीं दूंगा। वो इंजन ऑयल का फ्लो चेक कर रहे हैं निकाल के। मीटर में शायद रीड कर रहे हैं कि क्या। अभी इंजन चालू करने के लिए बोले हैं, फिर इंजन चालू करके वो जब बताएंगे इंजन ठीक है कि क्या है तो बताएंगे। ओके इंजन ठीक है, ठीक बंद कर दूं। ओके तो इंजन ओके है। ये गाड़ी को इतना लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, इसीलिए फिर मन नहीं करता है बेचने का। मैं सोचता हूँ लोग इतना मुड़ मुड़ के देखते हैं कहाँ बेचूँ, मैं सोचता हूँ नहीं नहीं थार में जाना है। इन्होंने पूरा अच्छे से वेरीफाई कर लिया है, इंजन इंजन चेक कर लिया, सब कुछ ओके है इंटीरियर एक्सटीरियर। लेकिन मैंने जो निकालूंगा एसेसरी वो सब पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि अगर नहीं निकाल लिया और नहीं बताया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा कॉस्ट कटिंग होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना पैसा मैं अलग से लगाया हूँ वो मैं दूसरी गाड़ी में लगा सकता हूँ। अलॉय व्हील अलग से मैं बेच सकता हूँ। तो बाहर की लाइट्स को छोड़ के अंदर के एसेसरीज मैं रख लूँगा। बाकी वो मना किए कि बाहर के लाइट्स मत निकालो क्योंकि उससे दाग वाग सब दिखने लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, लाइट्स कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटीरियर का मेन है। हो गया है ना लगभग। चलो इंस्पेक्शन हो गया है, सामान रखा। ठीक है, हाँ आपने अपना नंबर सेव नहीं किया सर, क्या नाम से सब्सक्राइब कर लेना। अरे वो तो मेरा रिव्यू हो गया है, वो कर लिए हैं कास्ट 24 वाले। वो बोले हैं ये कास्ट 24 से जो भी रेट आता है वो ठीक है, और अलग से भी अगर कोई कस्टमर मिल जाते हैं इनको तो वो मेरे को बताएंगे। मेरे से नंबर एक्सचेंज हो गया तो वो भी मेरे को बताएंगे। तो अगर अलग से भी मेरे को अच्छा रेट मिलता है तो मैं अलग से ही हटा दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो इनके साथ बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है, वो खुश हुए हैं मेरा मॉडिफिकेशन देख के। तो बोले हैं भाई आप पैसा तो लगाए हो तो कम से कम कुछ तो उसका मिलना चाहिए परसेंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वो मेरा इंस्पेक्शन के लिए जो वीडियो है उसके लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक करिएगा मेरे कंटेंट को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।